एक्टर राजीव देओल और पलोमा ने अलग अलग पोस्टर के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के बाद स्वीट लव स्टोरी दोनों के मेकर्स ने शुक्रवार को नया पोस्टर जारी किया जिसमें उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है। राजीव बॉलीवुड स्टार सनी देओल के छोटे बेटे हैं जबकि पलोमा पूनम ढिल्लो की बेटी है। ये फेमस डायरेक्टर सूरज आर बरजातिया के बेटे अवनीश एस बरजातिया की डायरेक्शन की पहली फिल्म भी है। मेघना के रोल में पलोमा ने पुरानी सुंदरता और स्वभाव से ऑडियंस को मेस्मराइज कर दिया जबकि देव के रोल में राजीव ने अपनी कैप्टिवेटिव स्क्रीन प्रेजेंस दर्ज कराई। नए पोस्टर में दोनों की बेहद सिंपल केमिस्ट्री नजर आ रही है। दोनों हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव देव के किरदार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उन्होंने बीच कलर पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहनी हुई है। वहीं मेघना बनी पलोमा ने बलून स्लीव वाली रेड ड्रेस पहनी हुई है और एक हाथ में ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। देव का पलोमा को प्यार से देखना इस बात का सबूत है कि ये कहानी दो अजनबियों के बीच की मासूमियत और रोमांस के बारे में है जिनकी मंजिल एक है। पहले शेयर किए गए टीजर के अकॉर्डिंग राजवीर और पलोमा की पहली मुलाकात एक शादी में होती है। देव यानी राजवीर जहां दूल्हे के दोस्त होते हैं वहीं मेघना यानी पलोमा लड़की की फ्रेंड होती है और शादी में दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अपने हेरिटेज के 75th ईयर में अपनी फोर्थ जनरेशन द्वारा डायरेक्टेड एक फिल्म प्रेजेंट करने जा रहा है। प्रोडक्शन हाउस की सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म में से एक सूरज बरजातिया द्वारा डायरेक्टेड मैंने प्यार किया भी है। इसमें सलमान खान और भाग्यश्री ने एक्टिंग की थी। इस फिल्म को अब तक की सबसे प्रेस्टिजियस रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है। ये अपने साउंड ट्रैक सलमान खान और भाग्यश्री के बीच की केमिस्ट्री की वजह से लोगों की पसंदीदा बन गई। दोनों जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।